खबर भोपाल से, जहां गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान आया है, कहा है कि प्रदेश में 7 मई तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा। ये बड़ा बयान गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की तरफ से दिया गया और ये भी कहा गया कि भोपाल में भी 10 मई तक के लिए कोरोना कर्फ्यू आगे बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। कोरोना के नए केस में ठीक होने वालों की संख्या ज्यादा है, ये भी उनकी तरफ से माना गया और कहा कि कोरोना का स्थायी इलाज वैक्सीन ही है। एक बार फिर से उन्होंने वही बात दोहराई है कि वैक्सीन ही कोरोना का स्थायी इलाज है। वहीं अशोकनगर में ऑक्सीजन की कमी से 3 लोगों पर भी उन्होंने अपनी बात की और कहा कि कुछ खबरें सत्य नहीं होती है, व्यवस्था में कमी हो सकती है। ये आंशिक सत्य होती है, अर्ध सत्य होती है, इनके अंदर कोई ना कोई इफ एंड बट होता है। ऑक्सीजन खत्म होने वाली बात, जैसे ग्वालियर का आया तो टैंकर तो भारी खड़ा था ना, ऑक्सीजन खत्म कहां हो गई? व्यवस्था में त्रुटि हो सकती है, उपलब्धता में त्रुटि नहीं थी। मौत कोई भी हो बहुत दुखद होती है और पूरी तरह से हम उनके सम्मान में नमन करते हैं, परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपना स्थान दे। बहुत दुखद खबर है, निश्चित रूप से बात करेंगे, निश्चित बात करेंगे। ये मेरी तरफ से आप सबको। तो गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया है और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 7 मई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ गया है, जो कि 3 मई तक था। हालांकि राजधानी भोपाल में केसेस क्योंकि बढ़ रहे हैं तो यहां पर 10 मई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाने पर अभी विचार किया जा रहा है, ये गृहमंत्री की तरफ से कहा गया है।